खुशियों की गुल्लक आशी। मतलब समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ। विशेष, आई थिंक आई लाइक यू। आई मीन शायद आई लव यू। मुझसे शादी करोगे? आशी, आई लव यू टू। मैं भी तुम्हें बहुत चाहता, बस ये बात तुमसे कभी कह नहीं पाया। डरता था कहीं तुम ना ना कह दो। कैसे ना कहती? मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ विशेष, शायद तुमसे भी ज्यादा। नहीं, शायद नहीं, पक्का पक्का वाला, मैं तुमसे ज्यादा प्यार करती हूँ। आशी, ये प्यार है, कोई कंपटीशन नहीं। ये तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों? पता है विशेष, लाइफ में कुछ भी कंट्रोल में नहीं था, बहुत अकेली थी मैं। और अचानक से सबका प्यार मिल रहा है मुझे। तुम्हारा प्यार, विष्णु अंकल और प्रभाती का प्यार, ये तो खुशी के आंसू है। मैं बहुत खुश हूं विशेष। आशी, तुम्हारे चेहरे पर आंसू नहीं, हंसी अच्छी लगती है, और मेरे होते हुए आज के बाद तुम्हारे आंखों में आंसू कभी नहीं होंगे। प्रॉमिस। 100 रुपए के स्टैंप पेपर पर लिखवा लो। आई लव यू विशेष। आई लव यू आशी। आंटी, वो साहिल शायद, मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन वो रुका ही नहीं, और उसके हाथ में बैग था। मुझे तो लगता है कि वो घर छोड़कर चला गया है। ये अब क्या बोल रही हो?
भी नहीं है। विशेष, विशेष, ये देखो, सहल अपना सारा सामान लेकर चला गया है। विशेष, प्लीज पता करो वो कहाँ गया है। आशी, टेंशन मत लो, मैं देखता हूँ। साहिल ने नोट लिखा है। क्या लिखा है उसमें? आशी, मैंने अपने आप को मनाने की, समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन समझा नहीं पाया। दोस्त दोस्त होता है, और पति 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 दोस्त की जगह ले सकता है, लेकिन दोस्त कभी पति की जगह नहीं ले सकता। क्या? आशी कितना भी कह ले, तो विशेष से प्यार करती है। विशेष ही तुम्हारे लिए सब कुछ होगा। तुम्हारे प्यार की वजह से मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड को खो दिया है। अब मेरे यहां रहने से सिर्फ और सिर्फ मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ होगी, सो मैं जा रहा हूं। आशी, हमारी फ्रेंडशिप जब तक थी, जैसी भी थी, मेरे लाइफ की बेस्टेस्ट बेस्ट थी। आई विश तुम्हें कभी मेरी जरूरत ना पड़े, और अगर कभी ऐसा दिन आया तो याद रख, मैं तुमसे सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। Till then, stay blessed, stay amazing. अपनी स्माइल और अपनी आशीगिरी स्प्रेड करते रहना। Goodbye, buddy. आशी, टेंशन मत लो, मैं कुछ करता हूं। नहीं, साहिल मुझे ऐसे अचानक छोड़ के नहीं जा सकता। इसे कैसे वो जा सकता है? वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। छोड़ूंगी नहीं मैं उसे, जान से मार दूंगी। समझता क्या है वो अपने आपको? सिर्फ अपने बारे में सोचता है ना, सेल्फिश कहीं का। अब बताती हूं मैं उसे। साहिल, पागल हो गया क्या? दिमाग खराब हो गया तेरा? कहाँ है तू? क्यों चला गया? बोल ना, बोलता क्यों नहीं है? हेलो, ठीक है, तू कुछ बोली मत। अगले 10 मिनट में तू मेरे सामने चाहिए। अगर नहीं आया ना तो तू समझ जाएगा कि मैं क्या कर सकती हूँ। आशी, आउच, पागल है? ऐसे कोई छोड़ के चला जाता है? तू अपने आप को मेरा बेस्ट फ्रेंड कहता है ना, बेस्ट फ्रेंड को ऐसा करता है? अरे पापा, मैं तो इन्हें लाने गया था। किन्हे? लेने गया था अपना सारा सामान लेकर, झूठ बोल रहा है। अरे बेटा, ये वाकई हमारे पास आया था। हाँ बेटा, खुशखबरी देने आया था, और कह रहा था आशी को टेंशन देने के लिए बैग लेकर आया। हाँ बेटा, ये हमें खुशखबरी देने आया था, फिर कहने लगा कि आशी को टेंशन देनी है इसलिए सामान लेकर आया हूँ, और फिर बेटा इसने तुम्हारे और विशेष के बारे में हमें खुशखबरी दी। सच में बहुत खुशी हुई बेटा, बहुत खुशी हुई। हमने तो पंडित जी का भी इंतजाम कर लिया है, बस वो आते ही होंगे। आशी भटनागर का घर यही है क्या? अरे पंडित जी, बिल्कुल सही घर पर आए। अच्छा तो बताइए, क्या करना है? किसकी कुंडली निकालनी? अरे पंडित जी, कुंडली निकालनी नहीं है, इन दोनों की कुंडली मिलानी है। अब जल्दी से कुंडली देखकर बताइए कि शादी का शुभ मुहूर्त कब है, जल्दी बताइए। आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए पंडित जी, बैठिए। अब जल्दी से कुंडली मिलाइए। हाँ हाँ, मिला देता हूँ। हाँ पंडित जी,
जल्दी से मुहूर्त निकाल। अरे बहुत टाइम हो गया किसी के शादी में अच्छा सा भोज खाए हुए। पर अंकल इतनी जल्दी क्या है, अभी तो बेटा शादी की उम्र होती है, इस उम्र में एक दूसरे का हो जाना आसान होता है और उसके बाद रिश्ते और ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। अरे पंडित जी क्या कर रहे हैं, फटाफट शादी की तारीख निकालिए ना। अभी कन्नू बंटू कब से कह रहे हैं कि बहुत दिन हो गए किसी की शादी में नाचे हुए हैं, अब नाचेंगे ना, क्यों नाचोगे ना, तो जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए वरना ये दोनों फिर किसी केस में लग जाएंगे। 25 दिसंबर बहुत ही शुभ है। बहुत बढ़िया, 25 तारीख गुड। 25 दिसंबर कलिए ज्यादा जल्दी नहीं हो जाएगा? अरे 25 दिन में कुछ भी हो सकता है, तू एक एक्टर की बेस्ट फ्रेंड है, 25 दिन के अंदर ना हिंदी फिल्मों के शादी के बड़े बड़े सेट लग जाते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है, हो जाएगा, सब तैयार है। वेरी गुड मैनेजर। सगाई के लिए कल का दिन बहुत ही शुभ है। कल का मुहूर्त? अरे वाह बहुत ही बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे वाह, मतलब कल होगी सगाई और फिर 25 दिन बाद आशी और विशेष की शादी। हाँ लेकिन एक मिनट, तब तक तुम में से कोई भी किसी भी केस में नहीं उलझेगा। ओ मेरे यार की शादी है, ओ मेरे यार की शादी है, ओ यार की शादी है, ओ मेरी यार की शादी है, ओ मेरे यार की शादी है। लेकिन मैं एक चीज बता दूं कि खाने से लेकर डेकोरेशन तक शादी की सारी जिम्मेदारी मेरी। मी टू। हाँ मी टू, टू मी, मी टू करेक्ट, इसकी और मेरी। देख इसको मैं ऑर्डर दूंगा और ये काम करे। और हाँ मेरी बेटी का कन्यादान मैं ही करूंगा। हाँ हाँ हम ही करेंगे, देखना कैसे धूमधाम से मेरे बेस्ट फ्रेंड्स की शादी करवाता हूं। पूरे जबलपुर में ना ऐसी शादी नहीं हुई होगी। फिर तो तुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मेरी शादी बहुत सिंपल तरीके से होगी, इसीलिए। इस बात में मैं आशी के साथ हूं, शादी जितना सिंपल हो उतना ही अच्छा है। देखा विशेष बिल्कुल सही कह रहा है। हाय अब तो विशेष की बातें मानी जाएगी, हम तो भाई कौन है, आंटी क्यों है, क्या मर गया, क्या मारी विशेष, नहीं नहीं आंटी 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 नहीं पकड़ो ना, नहीं पकड़ो ले, टाइल रोक, देख पंडित जी से बोल के कल की शादी करवा दूंगा, बता रहा हूँ। टाइल सुनील आप खामखा घबरा रहे हैं, ऐसी छोटी मोटी चीजें तो होती रहती हैं। डोंट फॉरगेट, आप भूल रहे हैं कि फिलहाल हम सिर्फ सेशन कोर्ट में ही हारे हैं, हम हाई कोर्ट जाएंगे, चुनौती देंगे उन्हें, छोड़ेंगे नहीं, उनका घर भी लेंगे और उन्हें पैसे भी नहीं देंगे। इन बाप और बेटों को रस्ते पे ना ला दिया ना तो मेरा नाम भी एडवोकेट गुप्ता नहीं। हमें जल्द से जल्द हाई कोर्ट में जाना होगा। जी हाँ। कब तक अपील कर सकते हैं? मैंने प्रोसेस शुरू कर दिया है। वैसे सुनील जी आपको एक बात बतानी थी। बोलो। आपकी बेटी आशीष शादी कर रही है। What? जी हाँ कल उसकी एंगेजमेंट है। क्या बकवास कर रहे हैं गुप्ता जी, ऐसे कैसे हो सकता है? सुनील जी आप कुछ जानते ही नहीं, पता भी है उसकी शादी 25 दिसंबर को हो रही है। किसके साथ? अरे वही फटीचर लॉयर विशेष दुबे, उसी के साथ शादी कर रही है। पागल हो चुकी है लड़की, ये शादी नहीं हो सकती, मैं ये शादी होने ही नहीं दूंगी।
आशी, आशी, तुम पागल हो चुकी हो ना? तुमने क्या कसम खा रखी है कि एक के बाद एक तुम गलती करती जाओगी? तुम्हारी उम्र ही क्या है आशी, तुम्हारा करियर है, उसका क्या होगा? और तुम अपनी माँ से पूछे बिना शादी नहीं कर सकती, और वो भी उस दो कौड़ी के वकील के साथ। आशी, मैं तुम्हें ये शादी कभी नहीं करने दूंगी, और उस दो कौड़ी के वकील के साथ तो कभी भी नहीं। मम्मी, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, मैं वही करूंगी जो मुझे सही लगेगा। ओ, तो अपने माँ बाप का सर झुकाना तुम्हें सही लगता है? किसी को धोखे से घर से बेघर करने में आपका सर नहीं झुका, किसी के बच्चे को किडनैप करवाने में आपका सर नहीं झुका, और आज जब मेरी शादी की बात सुनी तो आपका सर शर्म के मारे झुक गया। टॉपिक चेंज मत करो आशी, मैं तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात कर रही हूँ, समझी? मम्मी, मैं टॉपिक चेंज नहीं कर रही, मेरा डिसीजन फाइनल, मैं विशेष के साथ शादी कर रही हूँ। अगर आपके पास टाइम हो तो आ जाना, मुझे अच्छा लगेगा। गुस्से में है? लगता है तुम्हारी बेटी ने तुम्हारी बात नहीं मानी। क्या तुम सब जानते हो तुम कुछ करते क्यों नहीं हो? हाँ, क्या उम्र है उसकी? ये कोई उम्र है शादी करने की? उसकी उम्र की लड़कियां अपना करियर बनाने में लगी हुई हैं, और वो सोशल सर्विस करती रहती है, और अब शादी भी कर रही है तो उस गुड फॉर नथिंग लॉयर के साथ। सुनील, मेरी बात समझो, इस शादी को रोकना होगा, ये शादी ज्यादा दिन टिकने नहीं वाली। एक्चुअली तुम्हें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किस बात से? इस बात से कि आशी शादी कर रही, या फिर इस बात से कि आशी विशेष के साथ शादी कर रही? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें इस बात का डर है कि उसकी शादी के बाद वो तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी? What nonsense? मैं माँ हूं, मुझे उसकी फिक्र है। तुम्हें उसकी फिक्र है? अच्छा मजाक कर लेती हो तुम। What's so funny? Actually, तुम्हें कभी गुस्सा और जलन के अलावा कुछ फील किया ही नहीं? यूं तुम गुस्सा क्यों हो? क्योंकि उसने तुम्हारी बात नहीं मानी, तुम्हारी इंसल्ट की। आज से पहले तो तुमने कभी इसकी फिक्र नहीं। ये अचानक तुम्हारे अंदर माँ की ममता कहाँ से जाग गई? क्यों, तुम्हें ये बात नहीं चुभती कि उसने हमें माँ बाप मानने से इनकार कर दिया? अरे वो तो छोड़ो, उसने तो ऑफिशियली पेरेंट्स को अडॉप्ट कर लिया है। सुनील, वो बच्ची है, हमें उसे समझाना चाहिए। अरे हमने जो इतनी इज्जत कमाई है, नाम कमाया है, उसने सब मिट्टी में मिला दिया। सुनील, जबलपुर एक छोटा सा शहर है, सब हंस रहे हैं हम पर, करोड़ों का नुकसान हुआ है हमें, और तुम कुछ नहीं कर रहे हो, हाथ पे हाथ धर कर बैठे हो। अरे तुम उस गुड फॉर नथिंग लॉयर से उसे शादी करने दे रहे हो? अब भी वक्त है सुनील, इस शादी को रोको, किसी भी तरह से इस शादी को रोकना ही होगा तुम्हें। अरे तुम सुन रहे हो कि नहीं? कुछ करो सुनील, तुम्हें इस शादी को रोकना ही होगा। चलो हो गई ना सारी तैयारी? साहिल फोन लगा कि नहीं अभी तक? बेटा जबरू बहन, ये लो, ले आई सब कुछ। बंटू जल्दी जल्दी हाथ चला बेटा। पंडित जी, अरे बंटू, अरे वो फूल वगैरह लाने थे, ले आए ना। और साहिल, तुम्हारी पंडित जी से बात हुई? जी जी अंकल, बुला लिया, बात हो गई। अरे मेरे दूल्हे राजा,
बात है, क्या लग रहा है आंटी देखो। थैंक यू। क्या अरे काम रह गया था, मैं करके आता हूँ। अरे मानसी कन्नू जल्दी से तैयार करो आशी को, दूल्हे राजा आ भी गए। विशेष आ जाएगी तैयार हो रही है भाई। हाय गजब, कैसे शर्मा रहा है देखो तो। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। हेलो मिस्टर विशेष जी, शादी मुबारक हो। शुभकामनाएं देने खुद तो नहीं आ सका, तो आपके लिए एक तोहफा भेजा है। ऐसा तोहफा भेजा है आप अपने आने वाले 7 जन्मों तक नहीं भूल सकते। जबरदस्त तोहफा जो आप कभी नहीं भूलेंगे। जरा घर के पीछे जाइए, आपका तोहफा बेसब्री से आपका इंतजार कर रहा है। हेलो हेलो, कहीं ये साहिल की फिर से कोई बदमाशी तो नहीं? पता नहीं आप कौन सा सरप्राइज दे रहे हैं। अब विशेष है, तुम कहाँ जा रहे हो? बस अंकल 2 मिनट में आए। अच्छा अच्छा ठीक है।